सीटों के रुझान हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर 15 सीटों का अंतर हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, 15 सीटों से ज्यादा इस समय कहा जाए कि अंतर है। 30 पर बीजेपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन कांग्रेस का है। यहाँ पर एक मेहमान है, उन्होंने यहाँ पर आपत्ति जता दी कि ये कांग्रेस की सीटें नहीं है, नेशनल गठबंधन का यहाँ पर जिसे कहा जाए कि गठबंधन है। तो मैं सर बता दूं आपको कि कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है और इसीलिए हम अपने दर्शकों को लगातार आंकड़ा इसी फॉर्म में दिखा रहे हैं। पीडीपी ने भी यहाँ पर खाता खोल लिया है 3 सीटों के साथ। पीडीपी लगातार अपनी स्थिति पर बनी हुई है, लेकिन अदर्स के जो नंबर्स है वो लगातार बदल रहे हैं और इस समय अदर्स 12 के ऊपर है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं इस आंकड़े को जोड़ू 30 और 12 में टोटल जोड़ दूं तो 42 और 5 यहाँ पर 47 हो जाते हैं। अभी भी जो कश्मीर के एक्सपर्ट है शोभना, बीजेपी के वो ये कह रहे हैं कि जो 12 या 13 जो निर्दलीय हैं और जो 5 नॉमिनेटेड हैं वो 17 से 18 उम्मीदवार पूरी समीकरण बदल सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं सर कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं? मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पीडीपी भी सपोर्ट करेगी अगर पीडीपी को डिप्टी सीएम बना राम माधव को भेजा गया था, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अभी इट इज टू अर्ली, एक दो घंटे में क्लियर हो जाएगा मामला। अक्कू जी जल्दी से आइए। और ये जो जम्मू कश्मीर, देखिए हरियाणा में लगभग तस्वीर बिल्कुल साफ है अक्कू जी, लेकिन जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जो है वो क्या कुछ कह रहा है। अगर मैं इस पूरे आंकड़े को जोड़ रही हूँ तो भी मुझे अभी एक सीट बीजेपी की कम दिखाई दे रही है बहुमत से। बिल्कुल सही है कि बीजेपी की सीट अभी कम दिखाई दे रही है, लेकिन अभी हमें आधा घंटा और इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है जो स्थितियां चल रही हैं उसमें कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति कंफर्टेबल हो चुकी है, लेकिन अगर ये बीजेपी के पास 3 से 4 सीटें और हो जाती हैं तो पूरा स्थिति पलट भी जाएगी। बिल्कुल अक्कू जी एकदम ठीक कह रहे हैं। और देखिए 45 सीटों के साथ कांग्रेस जो है यहाँ पर, कांग्रेस गठबंधन सबसे बड़ा दल बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और 48 का आंकड़ा हरियाणा में ये जो आंकड़ा कांग्रेस का शोभना है वो 65+ पहुंच चुका है। मुमताज अल साहब, ये क्या इक्वेशन आप देख रहे हैं? नहीं देखिए, मैं इसको क्रेडिट दूंगा लोगों को, वोटर्स को, आवाम को, क्योंकि अब वो जिसको चुनते हैं बिल्कुल हमने पिछले कई चुनाव में देखा है कि पूर्ण बहुमत देते हैं। अब ये हैंग नहीं करते हैं, कोई लटकाने भटकाने वाला काम नहीं करते हैं। ये सरकार से नाराजगी दिखाई पड़ती है आपको या कांग्रेस के जो मुद्दे उठाए उनका समर्थन है? नहीं बिल्कुल, सरकार से ये नाराजगी है और वो नाराजगी कई मुद्दों पे है। आपने तमाम उन लोगों को यहाँ पे बिठाल रखा है तो इससे भी अंदाजा होता है कि ये तमाम मुद्दे थे और वो मुद्दे डोमिनेट कर रहे हैं। विजेंद्र जी का भी रुक कर लेते हैं प्रत्युष, पहले विजेंद्र जी से सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर आपके मेहमान के पास चलेंगे। विजेंद्र जी क्या कहेगा आपका आंकलन इस जम्मू कश्मीर के आंकड़े को लेकर? हरियाणा में स्थिति एकदम साफ है। देखिए हरियाणा में बिल्कुल जो स्थिति साफ है और ये बिल्कुल करेक्शन, अब इसमें सिर्फ इतना होना है कि निर्दलियों को कांग्रेस में से कितना जाना है या बीजेपी में से कितना जाना है या इंडियन नेशनल लोकदल की 3 सीटें आनी थी जो हम डब्बाली, इलाहाबाद और रानिया की मान के चल रहे हैं। दूसरा, हरियाणा में बिल्कुल करेक्शन होनी है, यही आंकड़े रहने वाले हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ अब जनता मौजूद है, जल्दी जनता का भी रुख कर लीजिए। जी मैं जनता का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले शरद सर, हरियाणा में तो मामला बिल्कुल साफ है लेकिन कश्मीर में अगर बीजेपी की हार हुई है तो सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि कहा जा रहा था कि 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव। देखिए बीजेपी को जितनी भी सीटें आई हैं 30 में से, तो अधिकतर सीटें जम्मू रीजन से आई हैं। और 370 का अधिकतर प्रभाव जो पड़ना था जम्मू रीजन में पड़ना था। कश्मीर रीजन में अभी भी बीजेपी को इनरोड्स बनाने बाकी हैं और वहाँ बीजेपी ने इसीलिए अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए थे, उम्मीदवार वहाँ नहीं मिले, मात्र 19 उम्मीदवार, बाकी निर्दलियों को समर्थन के दम पर बीजेपी सोच रही थी सरकार बनाने। जी जी बिल्कुल, गलतफहमी में थी बीजेपी। जी जी, तो ये एक बड़ी वजह है कि अभी कश्मीर में इतना विकास करने के बाद भी बीजेपी को इनरोड्स नहीं बना पाई है। चलिए ठीक है, अलीमुद्दीन साहब का भी रुख कर लेते हैं। अलीमुद्दीन साहब, आप तो पहले ही कह रहे थे कि कश्मीर का मुसलमान नाराज है इन आंकड़ों में, हालांकि अभी पूर्ण बहुमत एनसी गठबंधन को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक सीट कम है अभी। और अभी तो 5 वो नॉमिनेटेड सदस्य भी जुड़ेंगे विधानसभा में जिनको एलजी नॉमिनेट करेंगे। आप देखिए ये 12 का आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है इसके अंदर से 8 लोग जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जाएंगे और पूर्व बहुमत से वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगले मेहमान आपके बराबर में बैठे हुए हैं। सर आप बताइए, आप फोन पे बातें मत करिए, आज तो देखिए फोन पे बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, जल्दी से बताइए, बोलिए सर जी। हरियाणा में जो सरकार जो है वो कांग्रेस की बनने जा रही है,
और ये रिजल्ट जो आया है ये जनता के उस आक्रोश का है जो बीजेपी ने जनता को परेशान किया 10 साल। जनता किन किन मुद्दों से परेशान हुई सर? देखिए, जवान, पहलवान और किसान ये तो है ही है, इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा में और शहरों में खास तौर पे, और परिवार पहचान पत्र पोर्टल जिस तरीके से बनाए गए, पोर्टल बनाए तो नाम ये लेकर के गए थे कि भाई ये जनता की सुविधा के लिए है, लेकिन उन पोर्टल से जनता परेशान हुई है क्योंकि पोर्टल्स का संचालन सही तरीके से नहीं हुआ। मैं आऊं आपके पास, सही है, जब आप कुछ कहना चाह रहे हो उसके बाद कमाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये नाराजगी जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ज्यादा नाराजगी है, केंद्र सरकार से ज्यादा लोग नाराज हैं। जिस तरीके के केंद्र सरकार ने डिसीजन लिए, चाहे किसानों को लेकर के लिए हो, चाहे जवानों को लेकर के लिए हो, चाहे अग्निवीर को लेकर के लिए हो, चाहे जो है बेरोजगारी को लेकर के लिए हो, ये नाराजगी जो है मोदी सरकार